हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज साहिल रॉय एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स स्कॉलर। आज का हमारा टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीनिंग एंड डेफिनेशन। जी हाँ दोस्तों, आज हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग और डेफिनेशन समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम शुरुआत कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मीनिंग एंड डेफिनेशन से। इसमें सिर्फ मीनिंग और डेफिनेशन समझेंगे, अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना समझेंगे, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिग्रीज के बेसिस के ऊपर स्टडी करेंगे। तो आइए जानते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीनिंग एंड डेफिनेशन। आइए सबसे पहले हम मीनिंग को समझते हैं और मीनिंग को जानते हैं। मीनिंग में सबसे पहली बात बोली गई है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड इज अ मेजर ऑफ हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस When its price changes। साधारण शब्दों में कहा जाए तो जब एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी की या किसी भी वस्तु की या गुड्स की जब प्राइस चेंज होती है तो उसके डिमांड में जो बदलाव आता है उसको मेजर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मदद से करते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, बींग अ कस्टमर, हम आपको मालूम है ना, बींग अ कस्टमर हम डिमांड को स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर मैं कोई सामान खरीदने के लिए गया हूँ और उस गुड्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं तो जाहिर सी बात है मैं थोड़ा उसकी क्वांटिटी कम खरीद के लेकर के आऊंगा, लेकिन अगर प्राइसेस कम हो गए हैं जितना मैं सोच के गया था तो जाहिर सी बात है हम थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी खरीद लेंगे। ये ह्यूमन बिहेवियर नॉर्मली ऐसा ही होता है नॉर्मल गुड्स की कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए कहा जा रहा है कि एक तरीके का मेजरमेंट है जिसमें हम ये मेजर करते हैं कि किसी भी कॉमोडिटी का जब प्राइस चेंज होगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो उसमें जो उसकी क्वांटिटी जो डिमांड की जा रही है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, ये था मीनिंग। अब डेफिनेशन, डेफिनेशन में कहा जा रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन इट्स प्राइस। एकदम मिलता जुलता इन्होंने बोला कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम इस हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी कॉमोडिटी के जो प्राइसेस चेंज हो रहे हैं उसके प्राइस के चेंज होने पे जो डिमांड में जो परिवर्तन आ रहा है, ये जो डिग्री की बात की जा रही है ना, डिग्री के बारे में क्या कहा है, रेट ऑफ चेंज, किस स्पीड में चेंज होता है। ठीक है, प्राइस के चेंज होने पे डिमांड में कितना परिवर्तन आता है उसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंसिडर करते हैं और इसी के थ्रू हम इसे स्टडी भी करते हैं। जैसे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर 10% रेट बढ़ गया तो डिमांड कितना परसेंट फॉल कर गया या 10% प्राइस फॉल कर गया। मैंने कुछ गलत एग्जांपल दिया, एक बार मैं वापस एग्जांपल रिपीट करूंगा कि अगर किसी कॉमोडिटी का प्राइस 10% इंक्रीज कर गया, बढ़ गया, तो कितना परसेंटेज उसकी डिमांड फॉल करेगी। ठीक है, उसी कॉमोडिटी की अगर प्राइस फॉल करती है 10% तो कितना परसेंटेज डिमांड इंक्रीज करेगा। ये सारी स्टडी हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मदद से करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने प्रिसाइजली कहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कॉमोडिटी टू अ गिवन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। मतलब जितना परसेंटेज प्राइस में जो चेंज आ रहा है उसकी, उसे हम मेजर करते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड, और उससे हमें पता चलता है कि क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या मेजरमेंट है। मतलब आप समझिए कि 100 रुपए की चीज 110 में बिक रही है तो कितना परसेंटेज बढ़ा, 10% प्राइस बढ़ गया। ठीक है, और हम 1 किलो की जगह अब 800 ग्राम खरीद रहे हैं तो अब कितना क्वांटिटी कम हो गया, 200 ग्राम क्वांटिटी कम हो गया। अब बात समझ रहे हैं, तो इसका जो मेजरमेंट किया जाता है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मदद से किया जाता है। फॉर्मूला है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जब हम परसेंटेज चेंज इन, अच्छा परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज और डेल्टा बना होता है, डेल्टा का मतलब चेंज, आपको तो मालूम है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इससे जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रही। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। अगले लेक्चर में हम इसको और अच्छे से स्टडी करेंगे, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।